हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर कोर्स। आज हम जानेंगे एक्सेल की सेव फाइल पर पासवर्ड किस तरह से लगाते हैं। यहाँ पर जो है मैंने अपना एक्सेल ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आपको कॉर्नर में दिखाई देगा ऑफिस बटन। सबसे पहले मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, या फिर आप इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस कर दीजिए। यहाँ पर जो है मेरे सामने कुछ इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है फाइल का नेम दे देता हूँ और इसकी लोकेशन है हमारी डेस्कटॉप। यहाँ पर आपको सेव के पास एक ऑप्शन दिखाई देगा टूल। टूल की इस तिकोनी के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जनरल ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे मांगेगा पासवर्ड, तो यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ 123। फिर से मैं इस पासवर्ड को डाल देता हूँ 123 और ओके प्रेस कर देता हूँ। ये जो है आपसे फिर से री एंटर पासवर्ड करने को बोलेगा। फिर से मैं डाल देता हूँ 123 और ओके प्रेस कर देता हूँ। फिर से मैं 123 ओके प्रेस कर देता हूँ और अब मैं यहाँ से फाइल को सेव कर देता हूँ। अब मैं अपनी इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने जो है फाइल को सेव करा था दीपक के नाम से, वो ये रही। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। ये देखिए, मेरी जो है फाइल ओपन हो गई है। अब जो है ये फाइल से यहाँ से मांगता है पासवर्ड। तो इस तरीके से आप आसानी से अपनी एक्सेल की फाइल के ऊपर पासवर्ड लगा सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर पासवर्ड डालता हूँ 123, एंटर प्रेस करता हूँ। फिर से री एंटर करता हूँ, 123 एंटर प्रेस करता हूँ। ये देखिए, मेरी जो है एक्सेल की फाइल ओपन हो चुकी है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी एक्सेल की सेव फाइल पर पासवर्ड लगा सकते हैं। इसी तरीके से आप जो है एमएस ऑफिस के ऊपर भी लगा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। मैं यह ऑफिस ओपन कर लेता हूँ। मैं ऑफिस बटन पर जाता हूँ और यहाँ से सेव कर देता हूँ। यहाँ मैं इसको फाइल का नाम दे देता हूँ ABC और डेस्कटॉप के ऊपर इसे सेव करता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा टूल, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर दिखाई देगा जनरल ऑप्शन, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए पासवर्ड मांगता है, फिर से मैं पासवर्ड डाल देता हूँ 789। यहाँ पर भी मैं पासवर्ड डाल देता हूँ 789, ओके प्रेस करता हूँ। फिर से री एंटर करता हूँ 789, ओके प्रेस कर देता हूँ। फिर से री एंटर 789, ओके प्रेस करता हूँ और यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए, ये है मेरी फाइल जो मैंने ABC के नाम से सेव की थी। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। ये देखिए, मेरी जो है फाइल ओपन नहीं हुई है, ये जो है पासवर्ड मांगता है। फिर से मैं पासवर्ड डालता हूँ 789, एंटर प्रेस करता हूँ। फिर से री एंटर करता हूँ 789, एंटर प्रेस करता हूँ। ये देखिए, मेरी जो है फाइल ओपन हो चुकी है। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से अपने एमएस ऑफिस वर्ड की और आप अपने एमएस एक्सेल की सेफ फाइल के ऊपर पासवर्ड लगा सकते हैं, ताकि इसे कोई दूसरा आदमी ओपन ना कर सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।